इसलिए अल्लाह ताला ने हमें मुतनब्बे किया कि सुन लो अकबर आबादी की जुबान में कि जो तहरीक जो आलम दानिशवर किताब में लिखे लेक्चर दे मर दीन को गालिब निज़ाम की हैसियत से पेश ना करें कि मुसलमान हुकूमत करेगा रहा बन कर नहीं कहें रहेगा उसको समझो ये कज़ाक है लसूसुद्दीन दीन के डाकू में से दीन को बर्बाद करने के लिए दुश्मनों का एजेंट है मुसलमानों को कमज़ोर बनाकर रखना चाहिए मुसलमान दुनिया में किसी के मोहताज रहने के लिए नहीं आया। अकबर आबादी मरहूम ने कहा कि अगर दीन के साथ कुवत ना हो तो वो क्या है फकत एक फलसफा नहीं मजहब में गर्ज और हुकूमत सिर्फ वाज है तो वो क्या है फकत एक फलसफा ख्याली बातें हैं दीन दीन तो वो है जिसके हाथ में ताकत होगी वो निज़ाम चलाएगा जो उसकी मुखालफत करेंगे उनको सजाएं मिलेंगी दुनिया में अमन कायम करेगा अपने असूलों के तहत इसलिए हुकूमत इस्लामी इसके बगैर दीन नाम की कोई शायद कोई मजहब हो सकता है धर्म हिंदुइज्म की तरह या ईसाइयों की तरह इस्लाम जो अल्लाह के नबी लेकर आए वो हुकूमत से अलग नहीं होता। मेरी रूझ बढ़िया अगर कुरान की हुकूमत कायम नहीं होती तो मेरी नमाज रोजा तुहाड़े हज करता सब बेकार है असं एक दुनियावी धंधा कर रहे हैं कि खुदा की किताब जी अलमारियां बनते और बंदियां बनाए हुक्म जो दुनिया चल ये गैरत और जोश अगर इस्लाम साढ़े च नहीं पैदा करता तो ईसाइयों का मजहब है बुद्धां का मतलब है कि पूजा पाठ करी जाओ तो बस ठीक है इस्लाम नाले का कोई तल नहीं इस्लाम जिसे कुरान लैके आया उसके नाल तलवार लैके एवें नहीं किसी वर्दी जुल्म मिटाओ बिल्कुल बेगुनाह का खून अल्लाह के रसूल ने ढकिया ये झूठ बोलते हैं मुसलमान एवं वर्दा फिरता मुसलमान की तलवार मजलूमा की हिमायत नहीं भावें ईसाई से जुल्म होवे हिंदू से असी जुल्म रोकना कलमा नहीं पढ़ा कलमा अगले की मर्जी पढ़ना चाहता जन्नत जाना जाए नहीं जाना चाहता ना रहा बन के रवे गिरजा च रवे अपनी इबादत करे दीन साडा वेखे चंगा लगे मन लै इस तो गलबे तो बगैर जरा ना गलबा इस्लाम वाला इस्लाम ना कहो भाई किहड़े दीन की गल तुसीं समझाउंदे ते किसे काफर का दीन हो सकता इस्लाम नहीं इन गुलामों को शिकायत है कि ना किसे किताब के सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी के तरीके ये आते सानू तो कुरान चाहिए जेड़ा आखे तो रूस आ जाए कि तरह सलाम करना अमरीका भाई ये सलाम जरा ना ये है नहीं गा दीन से ये कबूल करना तो ईसाई हो जाओ बुद्ध हो जाओ दरवेश बन के रहो इस्लाम जरा दीन चाहता वाला या अपनी हुकूमत बना जे नहीं बनी तो हिजरत कर ये गल्लां दीन दियाँ ये बास दियाँ गल्लां शाहीन दियाँ वो फरेब खुरदा शाही के पला होकर गुमसो में बाद दे बच्चे ने जाके गिर जाँच वाल दी कि उत्थे गरीब पड़े उन्होंने मरी सकती गलत कि समझा वो फरेब खुरदा शाही के पलाओ कर सोमें उसे क्या खबर के क्या है रहो रस्में शाहबादी और बाद उच्चे उठते हैं वह कवे नहीं होंगे मुरदार खाते असी कवे बन चुके रोटी लब्बे पवे सिख आ जाने दुआ ये नहीं इस्लाम ये हुसैन तो समझ आऊँगी अल्लाह तौफीक दे कि दीन क्या था और किस तरह मजहब बन गया फकीर चूंब मस्जिद सब कशीदा जब फकीर थे मुसलमान मस्जिद में साफ बांधते थे नमाज गरे बान शहन शाह आदरी नमाज इतनी कुवत देती थी उन्हें कुरान सुनकर निकलते थे कोट दो तख्तन की वो जाकर बादशाहों के गरेबान पकड़ लेते थे तख्तों से उतार कर इधर फेंक दिए वले तू दिल में आने सीना अफसुर्द मुसलमाना बदरगाह खरीदा जब दिल सीने में सो गए मुर्दा हो गए मुसलमान खान काओ में घुस गए हजर उस फकर दरवेशी से जैसने मुसलमान को सिखा दी सर बदेरी दरवेशी पर जिसने मुसलमानों को यह सिखा दिया कि जो काफिर आ जाए उसके सामने सर झुका दो बदमाशों के सामने झुकना सिखाया गैरत छीन ली